नमस्कार, मेरा नाम है हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे अनमोल बिश्नोई की। कभी सलमान खान, कभी पप्पू यादव, तो कभी बाल संत अभिनव अरोड़ा, ये वो लोग हैं जो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद धमकियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ दाऊद के बाद अगर किसी डॉन का नाम मुंबई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बिहार तक इतना गूंजा है तो वो था लॉरेंस बिश्नोई। ये वो नाम है जिसने कई लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। पिछले दिनों इस नाम का खौफ सैकड़ों लोगों पर सवार हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके भाई अनमोल का नाम भी जुर्म की काली दुनिया में चारों तरफ शोर मचा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका में पुलिस ने पकड़ लिया है। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारतीय जांच एजेंसियां कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। एएनआई ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। मुंबई पुलिस ने लॉरेंस और अनमोल दोनों को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में वांटेड घोषित कर रखा है। इस मामले में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इसमें लॉरेंस और अनमोल आरोपी हैं। सलमान के घर पर फायरिंग के साथ ही एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी अनमोल के शामिल होने की बात सामने आई थी। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम कोर्ट में आवेदन किया गया था। इसमें पुलिस ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल शामिल है या नहीं, इसकी जांच की जरूरत है। अनमोल का नाम उसके भाई की तरह अपराध जगत में बड़े लेवल पर मशहूर हो रहा है। लेकिन अब अनमोल को हर एक जुर्म का हिसाब देना होगा। अनमोल को अपने किए हुए हर गुनाह के लिए अब सजा मिलेगी। जिसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे ही यह खबर आई कि अनमोल को पुलिस ने कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी जांच एजेंसियों ने अनमोल के हर राज को उगलवाने का प्लान तैयार कर दिया। क्योंकि इससे पहले सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक ऑडियो लगा था। इसमें आरोपी और अनमोल बिश्नोई के बीच बातचीत का दावा किया गया था। इसको लेकर पुलिस ने कहा था कि इस ऑडियो की सच्चाई का पता लगाकर सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल की संलिप्तता को साबित करना है। पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई और शूटर विक्की गुप्ता के बीच हुई कॉल की ऑडियो क्लिप देने का आदेश भी दिया था। जुर्म की दुनिया में हर एक अपराधी का एक नया नाम होता है। छोटे नाम से उसको जाना जाता है, जिससे उसकी पहचान होती है। ऐसा ही एक नाम अनमोल को भी दिया गया है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस गैंग में उसे छोटे गुरुजी के नाम से लोग बुलाते हैं। जरायम की दुनिया में उसकी एक और पहचान है, उसके गुर्गे उसे छोटा डॉन भी कहते हैं। अनमोल लॉरेंस से 6 साल छोटा है अपराध की दुनिया में, लेकिन उसका कद काफी बड़ा है। 25 साल की उम्र में वो अमेरिका, अजरबैजान, कनाडा, केनिया, यूएई, पुर्तगाल और मेक्सिको के अलावा भारत में 1000 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि अनमोल अमेरिका में है, इस बात का पता कैसे चला। दरअसल 2023 में पंजाबी सिंगर कर्ण अजोला की पार्टी हुई थी। अनमोल को अमेरिका में हुई इस पार्टी में देखा गया था। वो पंजाबी सिंगर करण अजोला की पार्टी में नाच रहा था। इसकी एक तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद से ही अमेरिकी एजेंसियों की मदद से उसको ढूंढने की शुरुआत की गई। अमेरिकी पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि अनमोल अमेरिका में है, और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू की गई कि अनमोल पर गिरफ्त बनाई जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। भारतीय जांच एजेंसी और महाराष्ट्र पुलिस ने अमेरिकी जांच एजेंसी और पुलिस की मदद से अनमोल का पता लगाया और अब कैलिफोर्निया में उसको गिरफ्तार कर लिया। अनमोल के खिलाफ करीब 20 मुकदमे दर्ज है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश अनमोल ने ही रची थी। अपने मामा के बेटे सचिन के साथ मिलकर उसने मूसेवाला की हत्या का प्लान बनाया था, लेकिन अब वो बहुत जल्द अमेरिका से लाया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बातचीत भी की जा रही है, जिसके बाद उससे हर राज उगलवाने की तैयारी होगी। लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में बंद है, लेकिन अब अनमोल बिश्नोई का पकड़े जाना
अनमोल बिश्नोई को भारत लाना, अनमोल बिश्नोई से राज उगलवाना। अब वो हर राज उगलेगा जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है, जो उसके गुर्गों से जुड़ा है, जो बाकी और उनके इस गैंग के लोगों से जुड़ा है, क्योंकि अनमोल वही बंदा है जो लॉरेंस की गैर मौजूदगी में भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। 1000 से ज्यादा शूटर्स को वो ऑपरेट कर रहा है। कहां किसको कब जुर्म करना है, किसको धमकी देनी है, किससे उगाही की कॉल करनी है, तमाम चीजों को ऑपरेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ अनमोल बिश्नोई है। अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए बातचीत की जा रही है। अब देखना होगा कि कब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाएगा, राज उगलवाए जाएंगे, और कितने और राज ऐसे हैं जो अभी तक जमीन में दफन है वो निकलकर सामने आएंगे। तमाम बड़ी खबरें हम आपको अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।